जोहार छात्र, मैं आर कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के डेली लाइफ चैनल पे। शुरू करते हैं आज के 5 महत्वपूर्ण सुर्खियों से। साहिबगंज शहरी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का राजमहल विधायक ने लिया जायजा। आसनसोल रेल डिवीजन के DRM पहुंचे दुमका, सांसद सुरेश सोरेन के साथ स्टेशन का किया निरीक्षण। जामताड़ा स्टेशन चौक स्थित NC मार्केट के मोबाइल दुकान में 70,000 रुपये की सामान की चोरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि BJP के कई फैसले देश हित में नहीं। झारखंड सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मानव श्रृंखला। देवघर के कुंडा, जसीडीह एवं देवीपुर में नदी घाटों से अवैध बालू उठाव में लगे 16 ट्रैक्टर जब्त। राजमहल विधायक श्री अनंत ओझा ने साहिबगंज नगर परिषद के क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शास्त्री नगर, बनियापट्टी, पुरुषोत्तम नगर, हरिपुर आदि मोहल्लों का दौरा कर वहां के निवासियों की परेशानी को सुना। बाढ़ से प्रभावित जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का भी वितरण किया। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं जैसे शुद्ध पानी, बिजली आदि को विधायक जी के सामने रखा। राजमहल विधायक ने स्थानीय निवासियों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया और कहा कि लगातार प्रभावित परिवारों के बीच में जाने से कारण अभी तक भी जिस तरह का बाढ़ की भयावहता है उस भयावहता के हिसाब से देहरा क्षेत्र का जो स्थिति है वो और बदतर है। नगर क्षेत्र में भी मैं अभी सुबह से जब इस मोहल्ले में जाकर के वार्ड नंबर 3 के बाद दुनिया टोला इस सब मोहल्ले में जाकर के देखने के बाद आधा अधूरा लोगों का आपत्ति हो पाया है। निश्चित रूप से शासन और सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाना चाहिए और आपदा से प्रभावित जो भी परिवार है उसके पास एक विशेष टास्क फोर्स बना करके विशेष कार्यबल स्थापित करके ताकि कम समय में अधिकतम स्थानों तक राहत सामग्री पहुँचाने की दिशा में नगर प्रशासन अंचल प्रशासन हो वो दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन को धरातल पर काम को उतारना होगा। सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आसनसोल रेल डिवीजन के DRM परमानंद शर्मा और स्थानीय सांसद सुनील सोरेन दुमका स्टेशन पहुंचकर स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर में व्याप्त सुविधाओं और समस्याओं से वे रूबरू हुए। स्थानीय सांसद श्री सुनील सोरेन ने दुमका स्टेशन के विकास के लिए कुछ जरूरी मांगों को DRM के सामने रखा। पहली बार जो है DRM दुमका स्टेशन में आए और यहाँ पर जो स्टेशन में जो प्रॉब्लम्स है जिस पर DRM ने कहा कि दुमका वासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जामताड़ा स्टेशन चौक स्थित NC मार्केट के मोबाइल दुकान में शुक्रवार रात को चोरों ने लगभग 70,000 रुपये के मोबाइल, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराकर भाग गए। दुकानदार मोहम्मद वसीम आलम ने बताया कि आज सुबह जब उन्होंने दुकान खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। दुकान के छत में सुराख बनाकर चोर अंदर आए थे और उनके सामान को चुरा के ले गए। इस संबंध में उन्होंने जामताड़ा थाना को सूचना दे दिया है। थाना मामलों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि BJP के कई फैसले देश हित में नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को विपक्षी दलों की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि BJP की कई फैसले देश हित में नहीं है। किसान सड़कों पे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा को छोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण का कोई विजन इनके पास नहीं है। मनरेगा तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है, शहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की कोई व्यवस्था ही नहीं। झारखंड सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मानव श्रृंखला। देवीपुर एवं मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। मौके पर रीता चौरसिया ने बताया कि सरकार एक भी योजना को सही ढंग से नहीं चला पा रही है, साथ ही लाखों युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं। देवघर के कुंडा, जसीडीह एवं देवीपुर में नदी घाटों से अवैध बालू उठाव में लगे 16 ट्रैक्टर जब्त। NGT के रोक के बावजूद देवघर के अलग अलग घाटों से बालू का उठाव में लगे कुल 16 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है एवं चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
देवघर के तीन थाना क्षेत्र कुंडा, जसेडी एवं देवीपुर के अलग अलग घाटों में देवघर एसडीओ एवं जिला खनन पदाधिकारी के संयुक्त छापेमारी में 16 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है, जबकि एनजीटी ने नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगा रखा है। बावजूद इसके लगातार अवैध रूप से बालू का उठाव जारी है। और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें डेली लाइफ। नमस्कार।